क्रैश हुआ लूना 25 मिशन। कौन सी कमियां रही लूना 25 में? कैसे टकराया लूना 25 चांद की सतह से? कहां गया लूना 25? इन्हीं सब की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना। 20 अगस्त भारतीय समय अनुसार 2:17 पर रूस वैज्ञानिक रोस कोस्मोस ने अपने टेलीग्राम पर यह पोस्ट किया कि 19-20 अगस्त को लूना 25 से संपर्क किया गया, लेकिन संपर्क स्थापित करने में यह असफल रहा। फिर जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि लूना 25 चांद की सतह से टकरा गया और हमारा यह मिशन फेल हो गया। अब आप लोग यह सोचते होंगे कि लूना 25 में अचानक इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे आ गई। चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। 16-17 तारीख को रूसी वैज्ञानिक लूना 25 से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका संपर्क असफल रहता है। रूसी वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद यह एक चक्कर और चंद्रमा का लगा रहा हो, इसलिए वैज्ञानिक इससे संपर्क करने में लगे रहते हैं और थ्रस्टर को चालू करने की कोशिश करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब तक लूना 25 से संपर्क नहीं होगा तब तक आप थ्रस्टर चालू नहीं कर सकते। इसके बाद अनेक रिसर्च से पता चला कि अंडाकार चक्कर लगाने की बजाय लूना 25 चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर सीधा जाकर टकराया और क्रैश हो गया। अब इतने महंगे यान के साथ ही रूस का सपना भी चूर चूर हो गया, जो चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर उतारना चाहता था। फिलहाल अब भारत को किसी भी देश से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 3 चंद्रमा के बेहद करीब 25 किलोमीटर के दायरे में है और भारत का झंडा बहुत जल्दी ही लहराएगा। चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जय हिंद।